बिसम सुबह वतन के साथ एक नई और ख़ूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी प्रोग्राम का आगाज़ करूं इससे पहले एक छोटा सा पैगाम जो मेरी ज़िम्मे होता है वो मैं आपको बताता चलूँ जिसमें हम कुछ सीख भी लेते हैं ये मेरा अपना वाक़ है जो कल पेश आया और हुआ क्या कि वालदा ने घर में काम के लिए एक नई मुलाजमा रखी और वह बेचारी चूँकि बच्ची नहीं थी घर के तौर तरीके नहीं पता थे उसको बता रही थी वालदा समझा रही थी कि गाड़ियों के कपड़े कैसे रखने हैं घर का सामान कैसे रखना है क्या ज़िम्मेदारियाँ सफाई सुथराई के हवाले से और आए गए के हवाले से क्या गेट को देखना है क्या घर के मेहमानों को देखना है सब काम चल रहे थे चूँकि कल बारिश थी और तेज़ बारिश थी उस वक्त कुछ गाड़ी के कवर भी डालने थे तो वो बच्ची को कहा गया कि आप छत पर डाल दें बेटा जब वो छत पर डालने गई तो क्योंकि मासूम थी बच्ची उसको भी पता भी नहीं था ऑल दो हि वॉज़ अराउंड सिक्सटीन एटीन तो उसने वो दीवार पर डाल दिया और उसके ऊपर ही ईंटें रख दी अब एक ईंट ऊपर से गिरी सेकंड फ्लोर से और वो जहाँ पे गाड़ी पार्क थी उसका शेड तोड़ती हुई नीचे कवर था कवर को फाड़ती हुई गाड़ी की छत को डैमेज कर गई अब यहाँ पे सिला रहमी और बर्दाश्त का भी आपको फिर एक सबक मिलता है अब जब बंदा ऐसी सिचुएशन देखता है तो काफ़ी परेशान और अजीब सी कैफियत हो जाती है गुस्सा भी आता है तिल मिला भी जाता है अब उस सिचुएशन में थोड़ी देर के लिए तो मैं पहले गुस्सा हुआ फिर उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि ये नुकसान ना जाने अल्लाह ताला ने किस बड़ी आफत से बचा लिया जो वक्ती तौर पे मुझे नुकसान नजर आ रहा है इसमें भलाई क्या थी यह अल्लाह ताली बेहतर जानता है एनीवे वे कट टू शॉर्ट ये हुआ कि वालिदा ने फिर कहा कि बेटा अल्लाह ताला पे आप तवक्ल रखो और अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है और सिला रहमी के बारे में मुझे कहा फिर मैंने इवेंचुअली uh, ये सीखने की उस वक्त कोशिश की कि जब गुस्सा आए जब आपको नुकसान नज़र आ रहा हो तो अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है बर्दाश्त कैसे करनी है और उस मासूम का जिसको अपनी कम आलमी की वजह से ये सारा फेस देखना पड़ा और शायद नदामत भी उस बच्ची को काफ़ी बड़ा सॉरी भी करती रही करती रही कि सर गलती होगी बहरहाल अब वहाँ पे मुझे ये सबक मिला कि आप आम रूटीन में बड़े अच्छे दर्श तो दे सकते हैं लेकिन जब आप पे गुजरती है तो फिर आपको उसका अमली मुजाहरा करना होता है जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है तो सिला रहमी करें इन बच्चों से बच्चियों से भी प्यार करें अल्लाह ताला ने डिवीज़न बनाई हुई है इंसान सब बराबर है रोज़ी के वसीले हैं कोई हमारे वसीले से कमाता है हम किसी के वसीले से कमाते हैं तो ये मैसेज जहन में रखिएगा प्रोग्राम को आगाज़ की तरफ़ लेके चलते हैं और आपको पता है हमारे फॉर्मेट है आज के तलावत कुरान करीम होगी आपके सवालत होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे आज की बात जो हम ख़ास तौर पर करेंगे कोरोना के खौफ से कैसे निकलें दो साल होने को आए हैं अब एक नई लहर फिर से आ रही है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और अपने माशर्ती इसमें रवैये जो पाए जा रहे हैं इनसे बचना कैसे है इसके तदारुक के लिए क्या हो रहा है हमारी अपनी ज़िम्मेदारी क्या बनती है गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं हमने अपने ख़ानदान को कैसे सिक्योर करना है अपनी जिंदगियों को कैसे बचाना है अपने कलीग्स को कैसे बचाना है इस सब पर भी हम बात करेंगे और फिर एंड में ख्वाबों की तबीर तो होगी और कोशिश करेंगे कि आपके तमाम खाब आज शामिल करें तो प्रोग्राम को आगाज़ की तरफ लेके जाते हैं सुबह सवेरे हमें जो हमारे मज़स मेहमान यहाँ पर ज्वाइन करते हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ तलावत कुरान करीम के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कारी वसीम अहमद अजीज़ी फ़ाजिल करात हैं सबा अशरा और नौजवानों में उभरते हुए कारी हैं कारी साहब आपकी आमद का शुक्रिया आरी साहब के साथ मौजूद हैं आपके सवाला के जवाब देने के लिए मैंने इनको एक नाम दे दिया वैसे तो शख्सियत बड़ी मज़े की है मुस्कुराते रहते मुस्कुराने वाली शख्सियत जनाब मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं अरसा पंद्रह साल से हदीस और शरियलूम के उस्ताद हैं और मैं भी इनको अब उस्ताद मानता हूँ कि इनसे डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ सर आपके आने का भी बहुत शुक्रिया कैसी रही आपकी आज की अलमदुल्लम मौसम था बारिश के बाद जहाँ लगता है बारिश बारिश आप आप भी हैं बहुत, बहुत मजेदार मौसम बन गया, माशार। माशार। गया। कारी आप बारिश को कैसे देखते हैं मज़ा आता है बारिश बहुत, में करने की तौफीक दे कारी साहब आज आप तिलावत करेंगे तीस से बत्तीस तक की आया तो गुजारिश है कुरान करीम कुरानी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا رب حسبنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا, الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم تنزل, تنزل عليهم الملائكة نحن أولياءكم في الحياة. نحن, نحن اولياء, أولياء माशा जज्लाकारीाल आपको जज खैर आफर मे बहुत खूबसूरत और बड़ा मजा आया बेटी साहब माशा सुबह सबेरे ऐसी साहतें मिलती हैं तो बड़ी बरकतें मिलती अलहमद बड़ी साहब अब की तरफ आ जाते हैं जी दिस सवाल बाद में करेंगे पहले आपकी मुस्कुराहट देख लेते हैं अल्लाह आपको जिदा खैर बड़ी साहब गुजारिश है आज का वज़ीफ़ा काइंडली बयान कीजिए बसमिल्लर अलहमदिल्लाबीन वसलात वसला अशरफुल्बिया अम्मा आज का वजीफ़ा कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि जो मैं इसके लिए कहाँ अच्छा ऐसी बात है बेटी साहब यानी शानदार कहूँ अजीम कहूँ बेमिसाल कहूँ, क्या कहूँ माशाल्लाह माशाल्लाह यानी ये वजीफ़ा वो है जिसमें कायनत का खालिक और मालिक खुद भी शामिल है उसके नुरानी फरिश्ते भी शामिल हैं तो फिर हम मोमिनों को भी हुक्म है कि तुम तो भी ये वजीफ़ा करो माशाल्लाह अल्लाह रबाल फ़रमाते हैं इनत नबी के अरश वाला अपने महबूब मुस्तफ़ा पर रहतें भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी फरिश्तों को हुक्म है कि तुम भी भेजो दुआएं करो और फिर मोमनों को कहा कि ईमान वालों तुम भी दुरूद व सलाम भेजा करो अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है वजीफा आज का पहले फायदा बता दूं जी बिल्कुल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये सदत हमें बख्शी फरमाया कि मन सलैस तन वाहिदा जो एक मरतबा उमती मुझ पर द्रोद भेजता है अशरन तो अल्लाह अरश वाला इतना खुश होता है कि उस बंदे को अपनी दस रहमतों से नवाजता है सुबह दस गुनाह भी मुआफ़ होते हैं और दस निकियाँ भी उसको मिलती हैं तो आज परेशानियाँ बहुत हैं दुख बहुत हैं लोग पिसे हुए हैं हमें सवाल आते हैं ना तो अक्सर ये पूछते हैं जी मैं कर्जों में डूबा हुआ हूं मुझे कुछ निकलने की राह बताएं एक कहता है जी बीमारियां इतनी हैं कि इलाज करा करा के थक गए हैं टेस्ट करा करा के थक गए हैं आराम नहीं आता है परेशानियां हैं खत्म नहीं होती उन सब का इलाज जब एक मरतबा दूशी पड़ेंगे तो दस रहमतें नाजल हो रही हैं तो फिर जिन लोगों ने इस वजीफे पर अमल किया वो खुद बताते हैं और मजे की बात आपको सुनाई एक अलामा साहब को फोन आया एक शख्स कहता है साहब जी वाल मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ खुदकुशी करने जा रहे हो तो मुझे के के जा रहे बता के जा रहे मुझे क्यों बता रहे 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 हो 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 बता 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 मुझे मुझे क्यों क्यों ये कोई बात है बताने वाली लेकिन रुको 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 मैं तुम्हें खुदकुशी का आसान तरीका बताता हूँ क्योंकि खुदकुशी करने से तकलीफ बहुत होती है जो भी हथियार इस्तेमाल करोगे बड़ी तकलीफ होती है मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ तो वो बंदा रुका ये बताएं वो तो कहते हैं पहले तुम तो बताओ कि खुदकुशी करने क्यों जा रहे हो अजी मैं कर्जों में डूब चुका हूं कारोबार तबाह है घर फैमिली सब लुट चुका है तो अब मेरे लिए बचा ही क्या है दुनिया में मैं खुदकुशी करूंगा बस मैं नहीं जीना चाहता तो कहते अच्छा ठीक है अभी मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ तो तुम थोड़ी देर बाद मेरे से रब्ता करना मैं तुम्हें आसान नुस्खा बताऊंगा कि खुदकुशी कैसे की जाती है तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा सबक है इसमें असल हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ जी तो वो बहरहाल तैयार हो गया कि मैं थोड़ी देर पोस्टपोन कर लेता हूं अच्छा जी उतनी देर मैं करूं क्या कहते उतनी देर तुमने एक काम करना है अभी वुजू करो और मस्जिद में चले जाओ और एक कोने में बैठ के सिर्फ द्रोषि पढ़ो तो जब तक मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं करता ना तुम द्रोषी पढ़ते रहो और मुझे उम्मीद है कि मैं रात को शाह की नमाज तक फारग हो जाऊंगा फिर मैं तुम्हें तरीका बताऊँगा तसली से अब वो बंदा बड़े सुकून से वजू करके मस्जिद में चला गया द्रुशी पढ़ रहा है पढ़ रहा है और शाह से पहले ही उसने खुद फोन कर दिया कहते हैं, जी मैं खुदकुशी नहीं कर रहा भाई क्या हुआ कहते हैं वो टेंशन वो गम वो दुख जो सर पर पहाड़ की तरह सवार थे और मैं जिंदगी से बिल्कुल मायूस होकर मरना चाह रहा था वो तो सारा ही दूर हो गया अल्लाह फटबर एक दफा द्रूषि पढ़ने से जब दस रहमतें नाजल हो रही उसने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा और कितनी रहमतें आई होंगी वो कहता है वो मेरे पहाड़ उतर गए हैं मैं अब जीना चाहता हूँ तो मुझे अब खुदकुशी के तरीके मालूम करने की जरूरत नहीं है। तो कहते मैंने बताना कब था अल्लाह फटबर ये सबक था ये सबक तो कि द्रूषि पढ़े और इतनी तसली से पढ़ें कि आपके गम आपके दुख आपकी परेशानियां आपके कर्जे आपके बंद दरवाजे खुल जाए Allah Allah. एक और भाई ने मुझे बताया जी से एक मैंने काफी पहले दिया था वो कहते है वो मैंने सुनने के बाद पचासी लाख मेरे ऊपर कर्जा हो गया कारोबार खत्म हो गया घर नहीं है तो कहते है मैंने इसी नुस्खे पर अमल किया इसी वजीफे पर और मैंने दिन रात पर एक कर दी कि जब एक दफा पढ़ने से अल्लाह की दस रहमतें मिलती हैं तो क्यों ना लें ठीक दो साल के बाद वो कहते है ठीक दो साल के अंदर अंदर अब मेरा कारोबार बेहतरीन हालत में चल रहा है पचासी लाख कर्जा मेरा अदा हो चुका है घर मैंने ले लिया है और फैमिली पुर सुकून माशा टूर्स दो जी साल का हिसाब बता रहे हैं और ये द्रूष की बरकत, ये वजीफे की बरकत। माशा एक और वाक्या मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ अपने नाजरीन को और वो खुद एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं सऊदी अरब के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं वो अपना वाक्य बयान करते हैं बहुत अच्छे दाई वायस भी हैं खतीब भी हैं

दूसरे डॉक्टर को बुला के लाया वी आई पी शख्स है प्रोफेसर हैं दाई हैं बड़े अच्छे तो देखते ही देखते कहते हैं मेरे कमरे में चौदह डॉक्टर इकट्ठे हो गए तौर और सबके रंग उड़े हैं मैंने पूछा यार मुझे भी कुछ बताओ क्या हुआ है अभी वो एलसीडी ऊपर लगी हुई थी ना हार्ट बीट की भी और वो ऑक्सीजन की भी सॉरी प्रॉम्प्ट कर रहा था कि क्या सिचुएशन सिचुएशन वो वो कहते हैं जी देखने के बाद सारे परेशान थे हुआ क्या यार बताओ तो सही कहते हैं जी सर्जरी कामयाब थी लेकिन सर्जरी के बाद कुछ खून आपके दिल के ऊपर जम गया है अल्लाह और हमें खदशा है कि हमें दोबारा सर्जरी करने पड़ेगी अल्लाह कहते हैं, मुझे जुर्जरी आई जोर से बात है बिल्कुल कमजोर सा मैं हूं पहले इन्होंने चीर फाड़ सारे कर दिया पहले बच गया था अब मुझे यकीन हो गया कि नहीं बचूंगा तो मैंने कहा फिर आप कहते हैं जी आप जैसे आप हुक्म करें मैंने तो फिर आप करो जब आप समझते हो कि सर्जरी करनी तो करो कहते हैं वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे और मैंने ऐसे पीछे टेक लगाई और आंखें बंद कर ली कि अब मरने के लिए तैयार हो रहा हूं इतने में एक नर्स आई और मेरे कान में आकर कहती है डॉक्टर साहब सल आला मुहम्मद सल्ला आपने डॉक्टरों की मान ली है दवाइयाँ खा रहे हैं सब कुछ कर लिया है तो जो नुस्खा और वजीफा इमाम इमामबिया सल्लम ने बताया था वो भी करके देख लें तो कहते हैं मुझे फ़ौरन हदीस याद आ गई कि नबी करीम अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी है तो बैठा था अल्लाह केसूल मैं दुआएं करने जब बैठता हूँ तो दुआ से पहले दुआ के दरमियान में आखिर में द्रूष कितना पढ़ू तो आपने फरमाया उबई तुम्हारी मर्जी है जितना मर्जी पाड़ लो कहने लगे जी चौथा हिस्सा काफी होगा आपने फरमाया इन जिद तफ़ा हुआ खैरुल्ल अगर चौथे हिस्से से भी मकदार बढ़ाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है बेहतर है वो कहने लगे अल्लाह के रसूल रसुल 50 -50 चलेगा आपने फरमाया और बढ़ा दो और, और मकदार अल्लाह की रहमतें और आएंगी बेशक कहने लगे अल्लाह के, के रसूल दो तिहाई दरोशीफ और एक हिस्सा दुआएं तो किस्सा फिर फरमा दिया इन तफा हुआ खैर और बढ़ा दो और बढ़ा दो और रहमतें आएंगी तो भाई फिर चुप करके अल्लाह के रसूल अब तो फिर द्रूशीफ पढ़ना ही बाकी रह गया मांगने की जरूरत क्या है तो आपने फरमाया अगर ऐसा हो जाए पड़ता रहे जैसे मैंने ये दो मिसालेंसूल तो की गारंटी है।, है और हर किसम की परेशानी और दुख भी दूर करता है जुमला क्या बोला गौरतलब है जी अल्लाह के रसूल की गारंटी है गारंटी देख सर अगर उनकी गारंटी है तो फिर और क्या चाहिए गारंटी उस हस्ती की है की जो ऊपर से गारंटी मिले बगैर गारंटी देती भी देते भी नहीं है तो डॉक्टर साले कहते हैं कि जब नर्स ने मेरे काम कान में आकर यह कहा कि डॉक्टर साहब द्रोषी पढ़ें तो मुझे फौरन यह हदीस याद आ गई कि द्रोषी पढ़ने से अल्लाह हर गम दुख दूर कर देता बेशक, है देते तो मैंने वैसे ही आंखें बंद की हुई थी तो द्रूषी पढ़ना शुरू कर दी अल्लाह मोहम्मद 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 कहते मैं आंखें बंद किए पढ़ता जा रहा हूं पढ़ता जा रहा हूं डॉक्टर जब तैयारी करके वापस आए तो डॉक्टर की चीख निकली उसकी चीख से मेरी आंखें खुली मैंने कहा अब क्या हुआ यार तुम हर मरतबा आते हो तो कोई ना कोई नया ही शुगर लगाते हो अब क्या बुलाकर लाया वो सारे आप खुशी है डॉक्टर साहब मुबारक हो, हो। भाई हुआ क्या है हमें कुछ नहीं किया आप बताएं आपने क्या किया क्योंकि मैंने क्या करना था मौत तो के लिए मुंतजर कर स्क्रीन साफ हो गई है वो नीचे आ गया है आपके पॉकेट के अंदर अल्लाह वो तो तो सारा साफ हो गया कि आपने किया क्या है अल्लाह फट पर तो फिर उन्होंने बताया मैंने वो किया है जो आमना के लाल मोहम्मद ने, ने बताया था अपने तो जो दुरुशी पढ़ता रहे अल्लाह उसके सारे गम दूर कर देता है सारी परेशानियां दूर कर देता है और उसके गुना भी मुआफ़ कर देता है तो द्रुषि पढ़ना है हम सब ने पढ़ना है और दिल से पढ़ना है ये तो हम सबको पता है ना कि अगर कपड़े गंदे हूँ मैले हूँ पसीने की महक आ रही हो उनसे तो ऊपर जितना मर्जी महंगा परफ्यूम छिड़कने को फायदा होता है बिल्कुल नहीं जब तक उसको साफ पाक नहीं इसका मतलब पहले दिल को गों से पाक करके तोबा करके अल्लाह से डर के वजू कर लें और उसके बाद रोशी पढ़ें इस नीयत के साथ कि अल्लाह मेरी ये मुश्किल आसान कर दे तो गारंटी क्या है कि तुम एक मरतबा पढ़ोगे तो ऊपर से दस रहमतें आएंगी बेशक तो जिसको एक के बदले में दस मिल रही हूं उसकी परेशानियाँ होंगी कितनी जो दूर नहीं होंगी बेशक तो इन ज़रूर दूर होंगी तो दरूद इब्राहिहीम ही पढ़ें अल्ला महम्मद वाल आल मोहम्मद कमा सल तला इब्राहीम अला आल इब्राहिम इनक हमदुम मजीद अल्लाउ मबारक आला महम्म वाल आल महम्मद कम बारक ताल इब्राहीम वाल आल इब्राहीमदुम मजीद दरूद की और भी अल्लाह ताली के रसूल ने किसमें बताई हैं सही बुखारी में मौजूद है लेकिन ये सबसे जामे हैं सबसे बेहतरीन शानदार जो नमाज में भी पढ़ते हैं और सबको याद भी है आसान भी है तो इसलिए तसली के साथ इसको पढ़ें और अगर कोई बंदा ये लम्बा नहीं पढ़ सकता जी उसको याद नहीं रहता तो अल्ला महमद सल आला मोहम्मद व अला आल मोहम्मद इतना भी पढ़ ले और अगर इतना भी नहीं पढ़ सकता तो अल्लाह सल आला मोहम्मद अल्लाह सल मोहम्मद इतना ही पढ़ता रहे मोहब्बत के साथ शौक के साथ

अल्लाह अपने महबूब पर रामते नाजल फरमा हमारी ये रिक्वेस्ट होगी और इसके बदले में अल्लाह का इनाम आएगा कि चल मांगने वाले दास तू भी ले ले अच्छा सर वैसे तो सवाल बहुत है टॉपिक आपने ऐसा छेड़ा हुआ था और फिर आज का वजीफा भी था तो मैं रोक नहीं पा रहा इसको सिर्फ ये बयान कीजिएगा कि अगर सिर्फ पढ़ते ही दरुद पाक रहें हाँ। मुख्तफ वज़ाइफ उनकी अपनी फजीलत है आपने जिस तरह बयान फरमाया हम प्रोग्राम्स में भी बताते हैं अगर हम यही पढ़ते रहें जिंदगी का मामूल यही रहे तो इसके बारे में ये कुछ बयान कर दीजिए काफी और शाफी है बस यानी अगर कोई बंदा इसको मामूल बना ले और दीगर ना भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सारे मसले तो हल होगा इसमें सिर्फ यही पढ़ते रहे हैं जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो आपने जो दी वजायब पढ़ाए हैं वो भी पढ़े मामूल इसको बना लें बाकी वो शामिल करते रहे जी साहब बड़ी देर से खामोश है और हमारी गुफ्तू को बड़ा महजूज़ होकर सुन भी रहे हैं और लुत्फ़ भी जी ले रहे हैं कारी साहब आप मुझे ये बताइए कि हर बंदे की जिंदगी का कुछ मामूल होता है जैसे दरूद पाक के मामूल की बात कर रहे हैं वज़ायफ़ की बात कर रहे हैं उसके जिक्र की बात कर रहे हैं रहमतों की बात कर रहे हैं मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ इस जुमले को आगे प्रोग्राम जो भी चलेगा वो एक अलहदा बात है कि अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है जब वो खुद गारंटी दे रहे हैं तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। आप अपने मामला में कोई वजायफ़ करते हैं क्या आप पढ़ते हैं देखिए जी सबसे बेहतर और बेहतरीन वजीफा जो है वो हज़रत ने बताया है जी और हमारा भी यही मामूल है कि जब भी कोई परेशानी होती है या जब भी कोई भी मामला होता है तो दरुशरीफ़ हम कसरत से पढ़ते हैं और हकीकत बात यही है कि अल्लाह ताली की तरफ से दिल को बड़ा इतमान होता है बेशक बड़ा सुकून मिलता है और खसूस जब हम तिलावत करने लगते हैं उससे पहले या जब भी कोई तो हम कसरत से ही इसको को अलहमदिल्ला पढ़ते हैं माशा और ये हजरत की बात मैंने जब सुनी थी हज़रत शेख क़ारी साहेब अमी हमदी साहब से उन्होंने फरमाया था अपने खुतबा जुमह में यही बात कि अगर चौथा हिस्सा बंदा पढ़े तो आपने फ़रमाया अगर इन जित्ता हुआ खैर ख़ैरल अगर तू ज़्यादा कर लेगा तेरे लिए और बेहतर है तो इस तरह फिर आखिर में यही फरमाया कि तू सारे दुआ के अंदर ही अगर दुरूद पढ़ता तो अगर ये दरुद पड़ता रहेगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा तुम्हारी परेशानियाँ भी दूर कर माशा माशा तो बस हम सब को नाजरीन को भी यही हम कहना चाहते हैं कि हमें द्रो शरीफ जो है वो कसरत से पढ़ना चाहिए अल्लाह तुम किताब आपकी इजाज़त से जी प्लीज़ प्लीज़ जब हम यहाँ व़ायफ़ बताते हैं ना तो लोगों के यहाँ ये कन्सेप्ट है कि ये मुफ्ती साहब से इसकी इजाज़त लेके पढ़ना है हमारे फेसबुक पर भी अकाउंट पर भी ये सवाल है कि क्या हम ये वजीफा पढ़ सकते हैं हमें इजाज़त है जी। तो भाई ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जितने इस्लामी वजायफ हैं तालीमात हैं वो सारी उम्मत के लिए हैं इस में की, की दर है नहीं। है किसी की नहीं बिल्कुल बिल्कुल की मैं कहूँगा नहीं जी मेरी इजाजत के बगैर बड़ा तो नुकसान हो जाएगा खुदा खौफ करें भाई ये अल्लाह के रसूल का दीन है सारी उम्मत के लिए है जो वजीफा है वो सब के लिए सब पड़े ठीक ठीक सबको इजाजत है सबको इजाजत घबरा मुझे इजाज़त नहीं मिली और ये भी देखें कितनी खूबसूरत बात की भट्टी साहब ने कि ये जो एक मिथ बना दी गई है माशरे में कुछ मिथ्स बन जाती हैं गैर माकूल रिवायात बन जाती हैं खुद से ही मन गड़त कर ली जाती हैं इसकी इजाज़त लेनी है इसकी नहीं लेनी जब अल्लाह तला ने आपको इनायत की है तो जब अल्लाह की इजाजत आपको है तो फिर किसकी इजाजत लेनी है उसके बाद कुछ रह नहीं जाता और वैसे एक चीज और बताऊं मैं भट्टी साहब आपको कि जब हम बात करते हैं ना दरूद पाक की इस वजीफे की आपने बात की दरूद शरीफ की आपने बात की जी तो जी हर जी बंदे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जी आपका जी अपना होगा कारी साहब का अपना होगा मेरा अपना सर मैंने तो इसको आजमूदा नुस्खे के तौर पर रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आपकी बेखबरी में भी चल रहा होता है जी जी। आप जब बाखबर होते हैं तब भी चल रहा होता है तो ये बड़ी रहमतें हैं इसको समेटने की कोशिश करनी चाहिए आपने इस तरह का समा बांधा है कि अब उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है <laughs> लेकिन क्योंकि बड़ी साहब जिम्मेदारी है वो भी सर अंजाम भी देनी है इजाजत हो तो सवाल आज शामिल करूं पहला सवाल है सर कि मेरा एक दोस्त बाहर बड़ा नमाजी और इबादत गुजार है लेकिन वो टेलीफोन पर अपने दोस्तों के साथ दूसरों की माँ बहन बेटी के मुतालिक गलत गुफ्तु करता है क्या उसके इस गुनाह के होते हुए उसकी नमाजें उसे फायदा देंगी मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि वो इस गलत हरकत से बाज आ जाए अल्लाह अकबर इस भाई को पहले तो ये समझना चाहिए कि ये बड़ी ख़तरनाक हरकत कर रहा है बजा रहे हैं। बहुत खतरनाक है किसी की माँ बहन बेटी उसकी इज्जत को छालना उसकी इज्जत को तार तार करना उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना बहुतानबाजियाँ करना अपने पास से ही चीज़ें गाड़ के उस पर थोप देना ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि ऐसे लोग जो मोमिन औरतों पर बोली बाली औरतें जिनको इन जुर्म को पता ही नहीं है और उस पर इल्जाम तराशियां हो रही हूं तो ऐसे लोग दुनिया वाला आखिर इन पर तो अल्लाह की लानत बरसेगी अल्लाह अकबर तो आप तो सिर्फ अभी नमाज की बात पूछ रहे हैं कि नमाज कबूल होगी कि, कि, कि नहीं तो जिस पर अल्लाह की लानत बरस जाए तो उसको बाकी नमाजों का फायदा क्या होगा अल्लाह अकबर और फिर जो हकीकी नमाज है अल्लाह ताली फरमाते तनफाशा कर नमाज अगर बंदा पढ़ता है तो नमाज उसकी उसको बेहयाई और बुराइयों से रोकती है तो जिस बंदे को उसकी नमाज ऐसी बेहूदगी से नहीं रोक रही इसका मतलब उसकी नमाज असर नहीं कर रही उसकी नमाजें कबूल नहीं, नहीं हो रही हो, हो रही अगर कबूल हो रही होती उनकी तासीर होती तो ये बंदा इन बुराइयों से बचता और फिर इस बाई को समझाने के लिए उसको बताएं कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने साहबा से पूछा था अतः दरू नफलिस मेरे साहबा तुम जानते हो कि कंगाल कैसे कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं वो कौन होता है मुफलिस कौन है तो साहबा ने कहा अल्लाह अगर सो हमारे यहाँ तो जिसके पास दरम और दिनार नहीं हम तो गरीब और फ़कीर उसी समझते हैं आपने फरमाया नहीं मेरी उम्मत का कंगाल वो होगा जो क्यामत वाले दिन पहाड़ों जैसी नेकियाँ लेकर आएगा नमाज रोज़ा ज़ुक़ हज बड़ी बड़ी नकियाँ लेकिन जुर्म क्या करके आया है किसी बंदे को मारा है किसी को गाली दी है और किसी पर इल्जाम तराशी की है। किसी का खून बहाया है तो जब ये नेकियां लेके पहाड़ों जैसी हाजिर होगा तो एक तरफ लाइन उनकी लगी होगी जिन पर इसने इस तरह की इल्जाम तराशियां, जुल्म किए होंगे तो जब ये उनके जुल्मों का हिसाब देने लगेगा तो सुलह सभाई के लिए अब वहां पर उनके पास इन्वेस्टमेंट क्या है नेकियां नेकियां है तो वो देते देते सुलह कर लो मुकमका कर लो उनको राज़ी करते करते इसकी नेकियों के पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे कंगाल हो जाएगा अल्लाह तो फरिश्ते रिपोर्ट करेंगे कि अल्लाह इसकी तो नेकियां ख़त्म हो गई और अभी हकदार मौजूद है तो अल्लाह ताला से इनको हुक्म देगा कि इसके गुनाह रह गए हैं नेकियां ख़त्म हो गई उनके गुनाह लेकर इनको दे दो अल्लाह अब ये अपने गुनाह भी और उनके गुनाह भी जब लेगा तो ये है कंगाल उम्मत मुहम्मदिया का और फिर इसको उल्टे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा Allah. तो फरमाया ये है मेरी उम्मत का मुफलिस तो ये भाई जो नमाजी है परहेजगार है नेकियाँ कर रहा है तो इसको अपने नेकियों को बचाने की भी फिक्र करनी चाहिए और अगर ये इसी तरह ज़ाया करता रहा तो ये कंगालों में शुमार होगा

तो अपनी तसीह करें और अपनी आखरत को संवारें ये माशरती मौ... बिगाड़ भी है और आपकी आखरत का बिगाड़ भी है सर अगला सवाल है कि अगर किसी शख्स पर गसल वाजिब था लेकिन उसे गसल करना याद ना रहा उसने उसी हालत में नमाज अदा कर ली अब वो क्या करे उसके ज़िम्मे कोई कफ़ारा वगैरह हो तो वो भी बता दीजिए जी नमाज़ का कफ़ारा कोई नहीं है नमाज की अदायगी ही उसके ज़िम्मे अभी बाकी है अल्लाह के रसूल सल वसम फरमाते हैं बग़ैर तो पकीदगी के बग़ैर अल्लाह नमाज़ कबूल नहीं करता तो इसने तो तहारत कुबरा हासिल करनी थी गुसल वाजिब था इस पर तो इसने वो जो नमाज़ पढ़ी वो इसकी अदा अभी नहीं हुई है तो इसको गुसल करके तो इस नमाज को दोबारा पढ़ना चाहिए यही इसका कफ़ारा है ठीक है सर अगला सवाल है हम ठेके पर ज़मीन लेकर काश्त करते हैं जब फसल की कटाई होती है तो आधी फसल तो ज़मीन का मालिक ठेके की मद में ले जाता है और आधी हमें बचती है अब हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम उससे आधी फसल पर उशर दें या फिर सारी फसल पर उशर देना बनता है बर करम दोनों सूरतों में रहनुमाई फरमाएँ पहली बात तो ये है भाई के सवाल से ऐसा लगता है कि जैसे जमीन का मालिक बहुत इन पर ऐसा तो नहीं है उसने जमीन दी है और वो उसका किराया ले रहा है जी तो उसकी मेहरबानी है कि उसने काश्त के लिए इस बाई को जमीन दी हुई है तो अब वो तो अपना ठेका या किराया ले रहा है अब इस पर जो उशर है जमीन पर जो फसल उठाएगा उशर उस पर है और उशर भी हर हालत में नहीं है ये भी गलत फहमी है उशर हर हालत में नहीं है नहीं है ठीक है उशर उस जमीन पर है जो सिर्फ बारिश से पकती है जिसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से संवारता है पकाता है आप ट्यूबवेल का खर्चा नहीं उठा रहे आप नहर का खर्चा नहीं उठा रहे आप कुएं का खर्चा नहीं उठा रहे आपने इंजन पीटर इंजन नहीं लगाया हुआ आप कोई भी जरिया इस्तेमाल नहीं करते एक्सपेंस नहीं हो रहे उस पे। हाँ ये देखें आपको नारोवाल का इलाका जो है जी। वहां लोग बीज बो के आ जाते हैं और जितना पानी चाहिए छ माह के अंदर गंदम को चावल को हर मौके पर अल्लाह ताला बारिश देता है और कुदरती बारिश से वो फसल जब पक जाती है तो फिर उसमें से दसवा हिस्सा यानी सौ मन में से दस मन अल्लाह कहता है मेरे राह में मेरे बंदों को दे दो ठीक है इसको कहते हैं उशर ठीक है और अगर आपने ट्यूबवेल से पानी लगाया है नहर से पानी लगाया है इंजन के जरिए पानी उसको शराब किया है तो फिर निस्फ है सौ में से पांच मन ठीक है तो ये जो भाई पूछ रहे कि किस पर है तो ये उशर और निस्फ उशर उसी पर है जो फसल उठाएगा किराया दे दिया है बाकी जो इसका हिस्सा इस बचा है उसमें ये चेक करे कि वो कितनी है फिर हर मकदार पर नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ला वम पर हुक्म है कि पाँच वसक़ से कम पर उशर भी नहीं है पाँच वसक कितना होता है ये तकरीबन सत्रह मन के आगे पीछे बनता है मुख्तलि पैमाने उसके बाद से थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाता है तो अगर आपकी फसल सत्रह मन है तो उसमें से आपने ज़क़ात देनी है और अगर वो सत्रह मन से कम है तो उसमें है ही नहीं अगर आपके पास सौ मन हो गई है दो सौ मन गई तो माशा ने आपको रिजक दिया है तो उसमें गरीबों का थोड़ा सा हिस्सा है ठीक है उशर या निसफ उशर ठीक है तो ये थीक उसकी थीक तफसील थी लेकिन देना उसी ने है जो काश्त कर रहा है जिसने फसल उठाई है जमीन का मालिक तो किराया ले रहा है उस पर जक़ात होगी अगर उसका वो किराया साल भर उसके इस्तेमाल में नहीं आता सेविंग में पड़ा रहा है तो साल बाद उस पर जक़ात हो और वैसे भी भट्टी साहब जब आप कोई लेन देन करते हैं टर्म्स तय होती हैं है। ये मुतफिक हुए तो उसने दी जी बिल्कुल इसी तरह से मामला चले सर अगला सवाल है मेरे पास मेरे पास सेविंग और बचत के तौर पर तकरीबन डेढ़ तोला सोना है और अमूमन तीस चालीस हजार रुपए नकदी भी मेरे पास मौजूद होती है तो क्या मेरे ऊपर जक़ात फर्ज है अगर फ़र्ज़ है तो उसकी अदायगी का तरीक़ाकार क्या होगा जी ज़क़ात के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं उसमें सोने का अपना नजाब है चांदी का अपना है और ये जो पेपर करेंसी आ गई है ना आज इसको कराम ने फिर मिलाया है कि किसके साथ मिलाएंगे वैसे तो हमारा बैंक स्टेट बैंक यही कहता है ना कि हम सोने के इवज़ में ये करेंसी जारी कर रहे हैं तो ये झूठ ही है ये कौन सा सच है तो सोने का जो निसाब है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है मिसकाल जो कि बनता है तकरीबन साढ़े सात तोले ठीक है। ये भाई ने कहा है, तोला है जी। तोले पर जक़ात नहीं होती है ठीक है साढ़े सात तोले में से अगर चंद माशे भी काम है तो इस पर जक़ात नहीं है साढ़े सात तोले होगा तो फिर साल के बाद इस पर जक़ात है ठीक है चांदी साढ़े बावन तोले होगी तो फिर उस पर जक़ात है और ये जो कैश है इसके पास इस कोला मक्राम कहते हैं कि गरीबों का फायदा इसमें है कि इसको चांदी के साथ मिलाया जाए साढ़े बावन तोले चांदी की जो मार्केट में इस वक्त कीमत है जी। अगर वो पचास हजार पिछले साल मेरा ख्याल गवर्नमेंट ने अड़तालीस हजार रुपये था अगर आपके पास अड़तालीस हजार रुपये साल पूरा पड़ा रहा आपने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उस पर जक़ात है ठीक है और अगर वो अड़तालीस हजार से कम है जैसे ये कह रहे हैं तो इस पर जकुआत है ही नहीं लेकिन अगर ये खुद अल्लाह की राह में कुछ देना चाहे गरीबों की मदद करना चाहे तो ये इसके लिए खैर ही खैर खूबसूरत बात है अच्छा बड़ी साहब इसमें दो चीजें एक तो आपने कहा कि अड़तालीस हजार पड़ा रहा साल भर अगर एवरेज देखी जाए साल भर में कभी तीस हो गया कभी साठ हो गया कभी लाख हो गया वो एवरेज अगर फोर्टी एट थाउजेंड बनता है तो भी जक़ात होगी नहीं, नहीं फिर नहीं होगी आपने यकम जनवरी को अपने अकाउंट में रखे पैसे ठीक है अब ये साल भर कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर यकम जनवरी को जाकर अगले साल आप पर जक़ात होनी इस वक्त कितना है बैंक में जी अगर वो अड़तालीस हजार है इस वक्त मौजूद तो आप उस पर जक़ात देंगे और अगर वो खर्च हो चुके हैं अभी तीस पैंतीस पड़ा हुआ तो है कोई जक़ात दूसरी बात है, जितनी मकदार में आपने सोना बताया उस मेदार में अगर पैसे साल भर पास रहते हैं पैसे और जक सोने को मिक्स करके नहीं कर सकते ठीक है चांदी और सोने को मिक्स नहीं करना और पेपर कंसी को भी मिक्स नहीं करना अकेले के लिए, 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 लिए की ठीक है सर अगला सवाल है गए वक्त की बात है कि मैं सिगरेट नोशी का आती था इस दौरान मैं एक दुकानदार से उधार सिगरेट लिया करता था अब जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिगरेट छोड़ चुका हूं और वो दुकानदार भी वफात पा चुके हैं लेकिन सिगरेट्स वाली रकम मेरे जिम्मे बकाया है तो क्या तोबा से पहले खरीदे हुए सिगरेट की रकम फौज शुदा के वसा को वापस करना लाजमी है इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाइए मुझे क्या करना चाहिए तोबा दो हिस्से हैं जी एक वो जराइम वो गुनाह जो आपके और आपके रब के दरमियान हैं वो तो सिर्फ़ तोबा से माफ़ हो जाएंगे ठीक है अगर तो सिर्फ़ अगर वो जराइम जो अल्लाह ताला ने फ़राइज आप पर मुकर किए थे, उसमें कोई कुताही है तो वो तो अल्लाह से माफ़ी मांगे तो वो माफ़ी हो जाएगी ठीक है लेकिन जो बंदों के हकूक़ हैं वो ऐसे माफ़ नहीं होते तोबा उसने की सिगरेट पीने से ठीक है अल्लाह माफ़ कर देगा लेकिन जो उसके पैसे देने हैं किसी गरीब दुकानदार के तो वो उस वक्त तक माफी नहीं होगी जब तक वो उसके वसा को वो अदायगी नहीं करता रकम जो वाजिब रकम वरना वो, वो वाले दिन अभी हमने हदीस बयान की है वो क्यामत वाले दिन तो फिर वो मांगेंगे तो बेहतर है वहां देने की बजाय यहीं पर उनको अदा करके फिर तोबा करें तो ये तोबा होगी ठीक है सर अगला क्वेश्चन है मोहतरम मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि मेरी रहनुमाई फरमाइए कि बच्चों की नेक तरबियत कैसे की जाए कि वो बचपन से ही दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लग जाए बच्चों की बेहतरीन तरबियत ये मतलूब है इन्हीं बच्चों ने बड़े होकर मुआरे के बेहतरीन फ़र्द बनना है तो बेहतरीन तरबियत के लिए ज़रूरी है कि बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करे तो हम सब को क्या करना चाहिए एक तो हम जैसे ही बच्चा पैदा होता तो उसके कान में कलमा तोहीद अल्लाबर अल्ला पहले ही सुना देते हैं तो जब वो बोलने लगे तो उसको सुखाएँ अल्ला अल्लाह अकबर छोटे छोटे कल उसको सिखाएं और फिर जब वो थोड़ा सा समझदार हो जाता है घर में खेलने कूदने लग जाता है तो फिर उसको इस्लामी तालीमत सिखाएं कि बेटा आते हुए अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जाते हुए अस्सलाम वालेकुम कहते हैं खाना खाने लगे हैं दूध पीने लगे हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो दूध पी लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो आपके भाई ने आपको बिस्कुट दिए तो उसको कहो जजाकल्ला तो ये इस्लामी तालीमात जब उसके जहन में रच बस जाएंगी तो ये जैसे जैसे बड़ा होगा वो खुद शकीन हो जाएगा सीखने का आप ऐसा मुआशरा देखें ना हमने मदीना मनवरा में देखा छोटे छोटे बच्चे ये जो कलमात मैं बता रहा हूँ उनकी नर्सरी और प्रेप के कायदों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं वो घर में भी सीखते हैं वहाँ भी सीखते हैं और जैसे ही वो दूसरी तीसरी चौथी ग्रेड तक पहुँचते हैं तो वो ये सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं और फिर उनको इस्लामी तालीमात के साथ मोहब्बत भी हो जाती है फिर वो मजीद सीखते हैं तो हम वो ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार के उस शहर से निकले तो फिर इस्लामी तालीबाज सिखाएं जी तो इन यही तरबियत का बेहतरीन म्याार होगा ठीक है बटी साहब जैसे कि आपने वजीफ़ा बताया तो वजीफ़े के बाद एक सवाल हम शामिल करते हैं कि मेरे शोहर की आमदन महाना चौदह हज़ार है हम पाँच बच्चे हैं हमारे पाँच बच्चे हैं कराए के मकान में रहते हैं मैं ऐसा कौन सा वजीफ़ा या अमल करूँ कि अल्लाह ताली हमें अपना घर और मेरे शौहर को अपना रोज़गार अता फरमा दें अब इस वजीफे से बड़ा वजीफ़ा हम इनको क्या बताएं सुबहानल्ला हमारी इस बहन को चाहिए और इस भाई को भी चाहिए कि वो द्रोशी पढ़ें और पूरी मोहब्बत के साथ पढ़ें पूरे शौक़ के साथ और पूरे यकीन के साथ पढ़ें तो इन शाला तला अपनी आराम से उसे नवा देंगे इनको घर भी मिलेगा रिज़्त में इजाफा भी होगा और जिन टेंशनों में जो परेशानियों में है इनशाला वो भी दूर होंगी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया गुफ्तु बड़ी मजे की रही हमारे साथ मौजूद थे मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे कारी वसीम अहमद अजीज़ी साहब आपके भी आने का शुक्रिया प्रोग्राम तो अभी जारी है जी खूबसूरत बातें और खूबसूरत बातों का सिलसिला और फिर आने वाले जो चंद दिन हैं आने वाले दिनों में हमें क्या करना है और करोना के हवाले से जो एक नई लहर आई है उस पर भी बात करेंगे आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद